गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अभी तक जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का एंड केमिकल फार्मूला का, उसको जरूर देख लीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट होते हैं। तो एक प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन लिखी है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो सब्सटेंस का मीन्स हमारा कोई भी एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर या आयंस। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती है तो इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल C+O2 ये हमारे सब्सटेंस है कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से रिवर्स कर ले कार्बन प्लस ऑक्सीजन में तो ये नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैग्नीशियम रिएक्ट टू ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट हम करते हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। पहला चेंज क्या होता है, चेंज इन स्टेट। तो जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनकी स्टेट भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सॉलिड लिक्विड की रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें गैस का फॉर्मेशन हो सकता है। चेंज इन कलर, कलर भी चेंज होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन की नेल डालने से जो भी सोल्यूशन का कलर है वो ब्लू से ग्रीन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस में कलर भी चेंज होता है। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर। तो हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर की रिएक्शन की कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हीट भी जनरेट होती है और एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो किसी अदर सब्सटेंस से रिएक्शन करते हैं और गैस का फॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू क्लास।